हस्ती खेलती दो जिंदगियां, प्यार की राह के दो मुसाफिर, आखिर दो प्यार करने वालों का ऐसा हश्र क्यों? किसने और क्यों किया ये? कौन थे ये लोग? क्या थी इनकी खता? प्यार करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? मोहब्बत जिंदगी के मायने बदल देती है, तो फिर इस जोड़े के लिए मोहब्बत मौत का सबब क्यों बन गई? इश्क और नफरत के बीच जुर्म की इस दास्तान के हर पहलू से रूबरू होंगे आज सावधान इंडिया में। हमका इश्क हो गया यारो, हमरी कोई खबर यालो। अबे का लगता है बे, अबे धोनी कोई जादू वादू करे है का? काए साला कैसा भी फंसा मैच हो, अबे लौंडा यूं निकलवा लेता है। अरे हाँ यार, ये बात तो है गुरु। भगवान कसम, का? टीम की काया पलट कर दी लौंडे ने। इंटा मार के अभी कार का कनेक्शन बना देंगे अंकल, नहीं तो पैसा दो हमारे भाई का। अबे काहे लड़ रहे हैं लोग? अरे तेरे को बचाया मैंने। चल चल, पैसा लेने के लिए चले आते हैं। चल गाड़ी उठा निकल इधर से। अरे उन लोग को छोड़ो, वो देखो आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली दवाई आ रही है। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया। अरे जरा देखो तो, अरे अदाएं तो देखो गुरु। अरे परी आई है, परी। सीमा, उन लड़कों की तरफ इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ना खामखा पीछे पड़ जाएंगे। क्यों ना देखूं, इतना सजे सवरे हैं और जब तक दो चार लोग घूरेंगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे दिख रहे हैं। कुछ भी। अबे नन्हे बेटा। हाँ हाँ भैया। कभी दिन में चांद को निकलते देखे हो, वो भी रिक्शा पे? अभी तक तो नहीं देखे भैया, पर आज देख लिए। अरे जब चांद देख ही लिए हैं तो चलो ना, चल के मोहल्ले में ईद मुबारक कह देते हैं। भाई सीमा जी की सुंदरता का कोई सीमा नहीं है, बता रहे हैं। और जो उनकी बाजू में लड़कियां बैठी है एकदम चाइनीज बल्ब की तरह टिमटिमा रही है। गुरु अरे सुनो तो, बता रहे हैं वो भी नमकीन से कम नहीं लग रही है। हाँ डब्लुआ, खबरदार जो तारा जी के बारे में अनसन बके तो कसम विश्वनाथ बाबा की यही मार के बिछा देंगे तुमको हम। अरे पकड़ो थोड़ा, अबे पगला गया हो का बेरघु, लौंडिया के चक्कर में तुम हम पे हाथ उठाओगे? हम नहीं उठाएंगे, दुनिया से उठा देंगे अगर उगल जुलूल बके तो। अरे ओ सपनों के देवता इंद्रदेव, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे, समझे? तुम साले संगमरमर के फर्श पर छपे हुए काले धब्बे, पोछा से सुबह शाम तुम्हें रगड़ रगड़ के छुड़ाया जाता है। एक बात बताओ, काले कंकड़ की दाल और दूध मलाई की रबड़ी का कभी कोई मेल है? डब्लुआ खबरदार जो तारा जी के बारे में एक शब्द भी। अरे सुनो, एक डब्लू कौवे, जाओ आईना देखो डब्लुआ चाचा के बारे में एक शब्द बोल रहा हूं। छोड़ो बे, छोड़ो यार, साले एक लौंडिया के चक्कर में छोड़ दो, आपस में माथे बच्चे करने लग रहे हो। अरे समझाओ उसको ना, कटा दिया तुम लोगों ने तो। चाय पिलाओ, चलो जाओ, चलो। हां चलो तुम उधर। शीशे में शक्ल निहारी जा रही है। एक बार तो फेल होके हमरी नौक पटाई चुके हो, दोबारा फेल हुए तो बापू के गल्ले की दुकान संभाल ली होगी। बताए दे रहे हैं किसी लायक नहीं रहोगे। सुनो, हमरी लायकी और नलायकी के बारे में निमन लिखने की जरूरत नहीं है, इतने कोई लाट गवर्नर नहीं बन गए सब लोग।
और ना ही हम इतने लुखे लफंगे हैं, और ऐसे रेलगाड़ी की तरह कहीं भी घुसाया मत करो। ये लो, पगला गया है क्या? बेफजूल नजर मारा है। सब्जियाँ इतनी महंगी होगी, इंसान खाए तो खाए क्या? माँ आप हमेशा सब्जियों की बातें करते रहते। अब सब्जियों की बातें नहीं करूँ तो और किसकी करूँ? अब तू ही बता, खरीदो तो खरीदो क्या? परेशान कर दिया इस महंगाई ने तो। क्या है, आँखों में दूरबीन लगाए क्यों घूरते रहते हो हमारी तरफ? पिछले दो दिन से देख रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हो तुम, कोई तकलीफ है? नहीं, वो मतलब आपने भी नोटिस किया क्या हमें? और जो अब हम करेंगे पूरी दुनिया नोटिस करेगी। थप्पड़ मार के टेंशन कम कर ली? अरे दोस्ती करनी है तुमसे। सीमा, हमारे बाबूजी ने हमें प्रॉमिस किया है अगर कॉलेज में टॉप किया ना तो स्कूटी दिलाएंगे, फिर ये रिक्शा ढूंढने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। अरे वो तो ऐसे ही खत्म हो सकता है। कैसे? अरे एक इशारा तो करो, स्कूल से घर पे छोड़ने वालों की लाइन लग जाएगी। पीछा करते करते चप्पल घिस गई है, अब तो दोस्ती कर लो। तुम भी घिस जाओगे, फिर भी कुछ नहीं बोलने वाले हम। अरे कर लो ना दोस्ती, पूरा लखनऊ घुमाया है अपने पीछे, दोस्ती कर लोगी तो कौन सा फाइन लग जाएगा? भैया चलिए जल्दी चलिए प्लीज। अरे बात तो मान लो, अरे कर लो ना दोस्ती, अरे कह रहे तुमसे कर लो ना दोस्ती। भैया जल्दी चलाइए प्लीज। मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा जिंदगी ना हमारी पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएगी। जब भी देखो तभी पढ़ाई, मुझे तारा तो समझ नहीं आता। तारा क्या है और तुम्हें हमारा नाम कैसे मालूम? अरे नाम छोड़ो मैडम, एड्रेस, फोन नंबर, सैंडल का साइज और अच्छा एक से लेकर के अब तक के प्रमाण पत्र का ब्यौरा रखते हैं हम तुम्हारा। अपना ब्यौरा अपने पास ही रखो चल। अरे तारा सुनो तो सही, ये तुम्हारा प्रमाण पत्र गिर गया था, इसके लिए हम। ये कहाँ मिला तुम्हें? वो फाइल से सरक के वहाँ पे गिर गया था। ओके थैंक्स। नहीं 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 मैडम, दोस्ती का उसूल है नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती हुई नहीं और उसूल पहले ही बन गए। पागल। आए हाय पागल। सीमा 3 हफ्तों में हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। ये सोच के तो मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, कैसे होगा? ए खतरे की घंटी बज गई। अरे तेरा मजनू आ गया देख ना। इसको छोड़, अरे इसका तो हर रोज का काम है। सुन तू आज रात से ना मेरे घर पे आ जाना पढ़ाई करने के लिए, इकट्ठे पढ़ाई कर। हाँ ठीक है वो देख। अरे छोड़ इसे। अरे अपनों से क्या पर्दा जाने वाला है। गजब गुरु चेहरा तो देखो, शिमला का सेब भी पहन है इनके चेहरे के लाली के आगे। अरे छोड़ो छोड़िए साले। चल रघु, रघु, पुलिस 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 पुलि
तुमने हाल पूछ लिया, सब दर्द खत्म। अरे दोस्त मानते हैं तुमको, मुसीबत में पीठ दिखाएंगे तो ससुरा जिंदगी पर थू है अपने। चार घूस और तीन थप्पर खाए हैं, अब तो दोस्ती कर लो, मिला लो, करंट नहीं मारते हैं। अरे यार पता है क्या है, ये देख, मुझे भी पता है। वो देख, तेरे नाम की कटी हुई पतंग लहराती हुई आ रही है। वो हमारा दोस्त है। ओ आ गया। बैठो। अच्छा मुझे थोड़ा काम है, मैं निकल जाती हूँ। बाय रघु। बाय बाय। तुमने हमारा कॉलेज देखा है? नहीं। दिखाती हूँ, आओ ये देखो, घंटा घर है ना। इनफैक्ट वो भी बहुत खूबसूरत है। कॉलेज में ना मैंने सोचा है अब हमारा जो फेस्टिवल होगा ना उसमें हम रघु छोड़ो उसे, जाओ तुम यहाँ से, रघु चलो, जब देखो लड़ते रहते हो। रघु कुछ ना कर पाएगा, हम सब जानते हैं, ठीक है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अबे ये तो अपना रघु है बे। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, अब हमें घर भी जाना है और माँ के साथ मंदिर भी जाना है। ठीक है, कल यही मिलोगी ना? हाँ देखते हैं, बताती हूँ। ठीक है, बाय बाय। हाय, ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, हाँ। स्मार्ट लौंडे चाय पिएंगे, कौवा लड़की घुमाएगा। हाँ, हाँ। अरे भैया एक बात तो बता दो यार, समझ में नहीं आया, मुरब्बे की चाशनी में बनारस का गुलकंद कैसे मिल गया? नहीं मतलब कौन सा मोहिनी मंत्र मारे हो, हमें भी तो बता। बकवास ना करो, नजर साफ करो। हाँ? अच्छा भाभी है तुम्हारी? ओ भाभी है, अरे सॉरी सॉरी। तो भैया भाभी के मिलने की खुशी में पार्टी हो जाए? अरे बिल्कुल हो जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है। आज की पार्टी में चार पकौड़ी हमारी तरफ से। अरे चलो यार चलो। अरे काहे का इंतजार कर रहे हो फिर? अरे रघु तुम यहाँ? हाँ। क्या बात है? तुमसे मिलने आया था। कोई काम था? नहीं बस ऐसे ही मिलने का मन हुआ तो आ गया। क्या बात है, और ये लड़का कौन है? पापा ये मेरा दोस्त है रघु। हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ अंकल, हम दोस्त हैं तारा के। काम क्या है? वो हम बताने आए थे कि कल कॉलेज बंद है। ये तो हमें पता है। पता है? तारा को पता है। चल निकल लो यहाँ से। बाय। और तुम भी चलो। चलो आओ। तारा। जी। ये लड़का कौन था? कहा ना पापा, मेरा दोस्त था रघु। अच्छा, तो तुम अब इन सड़क छाप लड़कों से दोस्ती करोगी? पापा, उसकी शक्ल ही ऐसी है, लेकिन लड़का अच्छा है। फिर ये फर्जी बात करने क्यों आया था? पापा, थोड़ा झक्की टाइप का है वो, छोड़िए ना, चलिए। तारा, तुम दोनों के बीच में कुछ? नहीं पापा, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सारी बातें यहाँ खड़े खड़े कर लेंगे क्या? चलिए आइए अंदर। चलो। चल बेटा। चलो। पापा, ये मेरा दोस्त है रघु। गुरु, बात बिल्कुल फाइनल है। दोस्ती का मतलब ही प्यार होता है, मतलब तारा हमसे प्रेम करती है। हे विश्वनाथ बाबा, हमको हमरी ही नजर न लग जाए। बात बिल्कुल फाइनल है कि तारा हमसे प्रेम करती है। तारा की दोस्ती को प्यार समझने की भूल कर बैठा था रघु। रिश्ते में उम्मीद रखना जायज है, हम सभी को अपने हर रिश्ते से कोई ना कोई उम्मीद होती है, लेकिन गलत फहमी भरा एक रिश्ता और फिर उस रिश्ते से उम्मीद कभी कभी बेहद घातक साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ रघु और तारा के इस रिश्ते में। क्या बात है रघु, बोलोगे? कब से घाट पे आग बंद करके खड़ा कर रखा है। अरे रुकोगी, जरा सा भी सबर नहीं है तुम में। अब आग खोलो। ये क्या है? खुद ही देख लो, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ। ये मेरे लिए है रघु? बिल्कुल। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? हमारे रिश्ते को आज एक महीना हो गया, इसी उपलक्ष में तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वाओ, तुम्हें याद है कि हमारी दोस्ती को एक महीना हो गया है? याद कैसे नहीं रहेगा, हमारी जिंदगी का इतना खास दिन है। और तुम्हें याद है उस दिन कैसे अंकल जी के सामने मैं ठप से बोल दिया था कि ये मेरा दोस्त है? पागल हो तुम रघु, पागल। अब जैसे भी हैं, तुम्हारे ही हैं। अब जल्दी से पहन के दिखाओ ना, देखते हैं कैसा लगता है तुम पे। नहीं रघु, मैं इसे नहीं पहन सकती। काहे नहीं पहन सकती? वो बस समझा करो, नहीं पहन सकती। अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है रघु, लेकिन नहीं पहन सकती मैं इसे। ठीक है। रघु, रघु सुनो तो सही। अबे हाँ बे, ये तो सोने का है। हाँ बे, अबे बाप के गले से हाथ साफ क्यों होगा बे? ये तो बेटा, सोने के भाव तो आसमान छू रहे। अरे उस पे काहे गरमा रहे हो हमारी दहकती भट्टी। अबे हम लोगों के कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ऐसे इस बकलोल जैसी सोने की चेन लेके जाओगे तो मना तो करेगी ना? का भाई, जाहिर सी बात है यार। यार अब पहले अपने रिश्ते की डिटेलिंग तो करो। आई लव यू वगैरह बोले हो? नहीं है यार, ऑफिशियली पहले अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड घोषित तो करो तब ना। और ऐसे में अगर घरवाले सवाल पूछ लिए कि सोने की चेन कहाँ से आई, तो क्या जवाब देंगी हमारी भाभी है? बोलो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो घर पे ताला लगा हुआ है। कहाँ गए सब लोग? एक जरूरी काम था। सब लोग कानपुर गए हैं, तारा के मामा की लड़की की शादी पड़ी है ना। कानपुर? जी। दीदी, तुम्हें पता हम तुम्हें टेरेस पे क्यों लाए हैं? क्यों? ये पूछने के लिए कि जीजा जी से बात बात कर ली हो ना, बता दियो ना अपनी पसंद ना पसंद। हमारी छोड़ो, हम तो चाह रहे हैं रिश्ते में बन के। अपनी बताओ, तुम्हें अभी तक कोई मिला? हाँ? नहीं, जब भी कोई मिलेगा सबसे पहले आप ही को फोन करेंगे हम। हाँ।
जी आप कौन? चाकू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन। हम तुम्हारे मन की बात जान नहीं पाए और बेलगाम घोड़े की तरह अपने आप को हांक दी। हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। हमें उस दिन गुस्सा होकर नहीं जाना चाहिए था। चाकू लेकिन तुम यहाँ। बस छोड़ो ये सब। हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए थे। हम ये समझ ही नहीं पाए कि कोई इस गिफ्ट के बारे में तुमसे पूछेगा तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, इसलिए तुमने मना किया था। सही कहती हो तुम, एकदम पगलेट हैं हम। चाकू पागल मत बनो, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम जाओ यहाँ से। अरे हमें किसी ने देख लिया ना। हाँ तो क्या हो गया? कोई देखा तो क्या हो जाएगा? हम तुमसे मिलने आए थे और गिफ्ट देने आए थे, जो हमने दे दिया बस। चाकू लेकिन ये सही नहीं है। कोई पूछेगा तो बोल देना कि नकली है, सोने का पानी चढ़ाया हुआ है बस। नहीं रघु। कुछ नहीं सुनना, कोई बात नहीं करनी। बोलो माफ कर दिया है। चाकू तुम यहाँ से जाओ। पहले बोलो क्या बोलूं? यही कि तुमने माफ कर दिया है। हाँ बाबा देखो ये मजाक की बात नहीं है, किसी ने हमें इकट्ठा देख लिया ना तो बारात आने से पहले हमारा बैंड बच जाएगा। प्लीज प्लीज तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओ यहाँ से। रघु मुझे पहले दिन से ही शक था, तारा का पीछा कर रहा था ना? नहीं 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 पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो प्यार करते हैं उसे। तुम्हारे प्यार की अच्छी कैसे? शर्म नहीं आती तुझे? नाक कटवा दी हमारी। नहीं पापा मैं सही कह रही हूँ, ये सिर्फ मेरा दोस्त है पापा। अच्छा ये तुम्हारा दोस्त है? इस साला मुंह उठा कर यहाँ तक चलाया, क्या है? क्या है ये? रुके ना, तुम क्या करो? काली चमड़ी पे भी चोट के काले दाग दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से पीट पिटा के आया है तू? अरे कुछ नहीं अम्मा, बस दो चार लोग ऐसे ही बकैदी कर रहे थे तो दे दिए दो चार कंटा उनको। तमीज से रहा कर रघु, हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, इसी तरह लड़ता रहा तो मुंह में दांत भी नहीं बचेंगे तेरे। तुम दवाई लगाओ बे। अरे बड़ा खतरनाक लड़का है वो, आज शादी में औरत बन के उसे मिलने चलाया, सोने की चेन देकर उसे फुसला रहा है, कल को गाड़ी में घुमाने की बात करेगा और परसों हमारी बच्ची का किडनैप भी कर सकता है। आपको क्या लगता है ऐसा कर सकता है वो? समझने की कोशिश करो, ऐसे लड़कों की औकात ही यही होती है कि अच्छी लड़कियों को बहला फुसला के अपनी चंगुल में फंसाते हैं। देखो तारा को कुछ कहने समझने से अच्छा है कि हम ये शहर ही छोड़ के कहीं और चले जाएं, और हम इतनी दूर चले जाएं कि तारा की परछाई तक भी वो पहुंच ना पाए। हाँ ये फैसला ठीक लिया आपने, ऐसा ही करेंगे। तारा बेटी, माँ अगर तुझे ऐसे लग रहा है कि हम तुम्हें यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं या तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ बेटा, तेरे पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ तेरी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन रघु अच्छा लड़का था, नेक लड़का था, वैसे भी वो सिर्फ मेरा दोस्त था माँ, इससे ज्यादा नहीं। फिर तो अच्छा है, मुंबई जाकर तुम अपने आप को इस माहौल में ढाल लोगी। लो ये तो सोते ही रहते हैं, अरे कुछ चाय वाय तो पिला दीजिए। बोला था एसी का टिकट करवा के दो, पता नहीं कहाँ लाके बिठा दिया। सीमा तारा कहाँ है? तुम अकेले क्यों आई हो? कहाँ है वो? कुछ पता नहीं रघु, कॉलेज भी नहीं आई है कई दिनों से वो। उसका नंबर भी बंद आ रहा है। आई एम सॉरी रघु। सॉरी तारा बिना बताए शहर से गायब है, उसका नंबर बंद आ रहा है, उसे मिल नहीं पा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि। Thank you.
अपने बच्चों की बेहतरी के लिए माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं। तारा के माँ बाप को लगने लगा था कि लघु उनकी बेटी को लेकर जुनूनी होने लगा है, इसीलिए वो तारा को रघु से दूर रखने के लिए उसे लेकर मुंबई चले आए ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तारा को मुंबई आए 6 महीने गुजर चुके थे और अब उसने अपने दोस्त रघु के बिना अपनी जिंदगी में आए बदलावों को अपना सा लिया था। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सारा एफर्ट दिखे, जो भी कैलेबर आप लोगों ने लगाया है वो सब दिखे। आई नो कि आप लोगों ने सब कुछ मिलकर काम किया है, बट उसको अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। तो अब हमको दिखाना भी है कि हम में क्या कैलिबर है, तो इसलिए अब वक्त भी आ गया है। आई थिंक 7 या 8 दिन और रह गए हैं हमारे कॉलेज के सिलेक्शन के लिए। अभी अगर आप हमारा साथ दोगे तो जो हमें दिखाना है सामने, दैट वी कैन शो द तो इस कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए होंगे। राहुल सर, मैं इस प्रोजेक्ट में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। दैट्स ग्रेट तारा, तो एक काम करो, तुम बाकी वॉलंटियर्स के साथ 1 घंटे में कॉलेज कैंपस में मिलो। ओके सर। बहुत काम कर लिया आज, अब आई थिंक पैकअप किया जाए। ओके सर। ओके सर, मैं चलती हूँ। तारा, तुम कहाँ रहती हो? सर, गोरेगांव। अच्छा, मैं मलाड जा रहा था, इफ यू डोंट माइंड तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ओके सर। चलो। राहुल के करीब रहते रहते तारा उसके दिल के भी बेहद करीब आ चुकी थी। उधर वाराणसी में रघु अब भी तारा को अपनी यादों से निकाल नहीं पाया था। यहाँ तारा अपने आने वाले सुनहरे जीवन के सपने देख रही थी और वहाँ रघु अपने एकतरफा प्यार में घुट घुट कर जी रहा था और उसके हिसाब से उसकी ये जिंदगी मौत से भी बदतर थी। रघु भैया, आपको आपकी माँ कब से बुला रही है? रघु भैया, हालत बना रखी है तूने बेटा, सूख कर काटा हुआ जा रहा है। किसी ने जादू टोना कर दिया है क्या तेरे पे? बता ना, कहाँ रहता है तू आजकल दिन दिन भर? चल बेटा, थोड़ा सा खाना लगाती हूँ, खा ले। नहीं, मैं भूख नहीं है। नीचे जाए। पता है पापा, इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ मैं और नेक्स्ट मंथ हम ये प्रोजेक्ट हमारे डीन के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। इनफैक्ट मेरे काम से सारे प्रोफेसर्स और मेरे कॉलीग्स बहुत खुश हैं। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही हो। थैंक यू पापा। मामा, मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।
भगवान का शुक्र है यहाँ तारा आकर सब कुछ भूल गई है, अच्छे से मन लग गया है। बस अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वक्त हर घाव का मरहम होता है, और उस लफंगे के लिए तारा के दिल में अगर कुछ रहा भी होगा ना, तो वक्त के साथ सारी भावनाएं खत्म हो गई होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते मुझे लखनऊ जाना है, वो कुछ बैंक का काम है और घर बंद पड़ा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि बंद रखने से अच्छा है कि उसे भाड़े पे लगा दे। ये सही सोचा आपने, दो पैसे आमदनी भी होगी। चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। महीनों बीत गए लेकिन तुम बिना नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह बैठे हुए हो। अबे साइलेंट मोड से तनिक बाहर आओ। कोई बात नहीं, चली गई, दूसरी भाभी ढूंढ लेंगे, वही भर थोड़ी एक थी। अबे चुप हो बे, अभी उसकी कोई भी बात नहीं करनी, समझे? ए रघु तू कोल्ड ड्रिंक पी, अबे पकड़ तो, अबे कोल्ड ड्रिंक पियोगे थोड़ी फूर्ती वूर्ती आएगी, समझे? अबे कोल्ड ड्रिंक है, दारू थोड़ी है। अबे यही कहाँ जा रहा है, पागल हो गया है साला। दिन से देखा तुमको इधर, क्या काम है, किससे मिलने को आया? अपनी प्रेमिका से, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से हम, बस उसके माँ बाप तैयार नहीं हो रहे। ऐसा क्या, कौन है लड़की? सच्ची वाली मोहब्बत है, समझे? नाम लेंगे तो खाम खाम में बदनाम हो जाएगी। सॉलिड वाला प्यार है। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना लखनऊ से घोड़े की तरह भागते हुए चले आए यहाँ पे, और अब आए हैं
तो हमें हमारी मोहब्बत से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इम्पोर्टेंट बात कहने के लाया हूँ। हाँ बोलो ना। आई लव यू। आई लव यू टू। शादी करोगी मुझसे? प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी भर खुश रखूंगा। हाँ तो ये लो, ये हमारे प्यार का पहला तोहफा। बहुत खूबसूरत लगेगा ये, देखो तुम्हारी उंगलियों में। बहुत खूबसूरत। और ये है हमारे प्यार का पहला सेलिब्रेशन। एक्चुअली जल्दी जल्दी मैं केक अरेंज नहीं कर पाया, तो क्या हुआ हम इस केक से ही अपने मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। रघु, रघु तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम मुंबई कब आए? आओ बैठो ना, बैठो। राहुल, ये मेरा लखनऊ का दोस्त है रघु। रघु ये राहुल है, तुम्हारी दोस्त का बॉयफ्रेंड और उसका होने वाला पति। वैसे राहुल, मैंने तुम्हें रघु की बातें नहीं बताई ना। बिलीव मी, बड़ा ही फिल्मी किस्म का इंसान है ये। पता है एक बार तो मामा जी की लड़की की शादी में लड़कियों का भेष बदल के आ गया था मुझसे मिलने के लिए। ये जनाब तो ऐसे ही है, सबका दिल रखते हैं। क्या बताए, किसी को तो नाराज ही नहीं करने देते। तो फिर इतने खुशी के मौके पर केक खिलाओ भाई साहब को। हाँ जरूर, लो रघु। सच कहा तुमने। चलो ऊपर चलो, तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। अरे नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन अपने मॉम डैड के साथ, हमारे रिश्ते की बात फाइनल करने। हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा था, पति बनना चला था साला, इसीलिए हटा दिया। तुम तो हमसे प्यार करती हो ना, हमसे शादी करना चाहती थी ना तुम। तुमसे? मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। राहुल, राहुल। दोनों कत्ल रघु ने किए थे, लेकिन सबसे बड़ी सजा मिली तारा के माता पिता को, जो एक पागल प्रेमी की हैवानियत की वजह से अपनी इकलौती बेटी को गंवा बैठे। तुमने कब देखा ये? सर मैं जब यहाँ पे है तो ये दोनों को मार के बता सादी है। सर इसलिए हमारी बच्ची को मार डाला सर, काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सर, मैं इसे मार डालूंगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ये काम पुलिस का है। मेरी बच्ची। कहते हैं मोहब्बत में शिद्दत और जज्बात होने बेहद जरूरी है, लेकिन यही शिद्दत और जज्बात अगर जुनून और जिद बन जाए तो जान पर बनाती है। किसी को पाने के लिए ऐसी दीवानगी, ऐसा पागलपन, ये इसी बात का सबूत है कि रघु प्यार का असली मतलब समझा ही नहीं। मोहब्बत कुदरत का दिया सबसे अनमोल तोहफा है, एक खूबसूरत एहसास है, तो फिर मोहब्बत में कोई शैतान कैसे बन सकता है।
आखिर क्या मिला रघु को तारा और आकाश की जान लेकर? सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब रघु के पास भी नहीं होगा, लेकिन ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना होगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल देश भर में हुए कुल अपराधों में से 15-21% अपराध क्राइम्स ऑफ पैशन थे, यानी ऐसे अपराध जिनकी जड़ में मोहब्बत से पैदा हुआ जुनून होता है। किसी से दोस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन उस दोस्ती को प्यार समझ बैठना और फिर उसमें ऐसा पागलपन कर गुजरना सरासर गलत है। अक्सर माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं कि उनके बच्चों की संगत कैसी है, और कई बार यही चूक जिंदगी भर ना भर पाने वाला जख्म दे जाती है। रघु ने एक तरफा प्यार किया और फिर अपने जुनून में एक नहीं दो दो कत्ल कर बैठा। अदालत में उसके वकील ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई और रघु को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा जुनून सही है? क्या ये जिद जायज है? एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, खासकर युवा पीढ़ी को गौर करना होगा। अपने आसपास अगर आपको ऐसी कोई घटना दिखती है तो उसकी सूचना पुलिस में दें। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।